जिले की सबसे बड़ी रामगंज मंडी में कोरोना संक्रमण के बीच भीड़भाड़ के चलते कई निर्णय लिए गए हैं। सब्जी मंडी में तमाम व्यवस्थाएं करने के साथ ही आगरा गेट स्थित सब्जी मंडी में जगह कम होने के चलते उसे पटेल स्टेडियम में शिफ्ट किया जा रहा है। इस मंडी में 27 अड़तीये के साथ ही व्यापारी और रिटेलर भी पहुँचेंगे। उनके लिए 10x15 की जगह चिन्हित की गयी है, जो दरअसल मीटर के बीच रहेगी। इसके लिए नगर निगम व प्रशासन की ओर से टेंट, तंबू और पानी बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। यह सभी दुकानें सुबह 6 बजे से 12 बजे तक संचालित की जाएंगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। मैदान में और कौन सी मंडी रहेगी यहाँ पर? ये आगरा गेट मंडी है ना, उसको यहाँ शिफ्ट किया गया है, जिसमें 27 आड़तीय है और कुछ व्यापारी है, कुछ रिटेलर भी है। तो 27 आड़तियों को अभी हमने ये दुकानें पटेल मैदान के अंदर शिफ्टिंग के लिए कर रहे हैं। 10x15 की जगह दी है इनको, और 10-10 फुट की इनकी बीच में डिस्टेंस रखा गया है। इनको टेंट की दुकानें लगे हिसाब से बनाकर दिए जा रहे हैं इनको, इनके अस्थायी तौर पर व्यवस्था की जा रही है। अब इनको क्या किया जाएगा कि इनके लाइट, पानी, बिजली की व्यवस्थाएं पटेल मैदान की तरफ से, नगर निगम की तरफ से होगी। टाइमिंग क्या रहेगी इन लोगों की? इनकी टाइमिंग रहेगी सुबह 6 बजे से लेकर और 11-12, जब तक ये बिक्री ना हो जाए, किसान का माल बिक्री ना हो जाए तब तक लोग प्रवेश कर पाएंगे। इसमें किसान भी हो सकते हैं और व्यापारी है ही, आड़तीय और उसके बाद डिटेलर भी आएंगे। अच्छा, जो एंट्री होगी उनके क्या पास बनाए जाएंगे या कैसे एंट्री होगी? हाँ, व्यापारियों के पास बनाए जाएंगे। किसान के लिए भी एक आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाएगा, जो व्यापारी से लिया जाएगा कि हमारे ये किसान है, और डिटेलर के लिए भी लिया जाएगा इनसे आइडेंटिटी प्रूफ, जिससे पता रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है।